से चले। मैं कोई इधर उधर की बात आपसे नहीं कर रहा, है ना, हो या ना हो इज नॉट माई काइंड ऑफ अप्रोच। आई एम टेलिंग आस्किंग यू, वॉज राहुल भट किल्ड बिकॉज ही वॉज अ हिंदू और नॉट? आपको बोलने में तकलीफ क्या हो रही है? नहीं तो मुसलमान भी तो एक मारा गया, उसके लिए आपको बात करते हुए तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैंने पूरे दिन रिपोर्टिंग भी की है, मैंने पूरी दिन रिपोर्टिंग भी किया, आपसे मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। मैं जो पूछ रहा हूँ आप बताइए, टेररिज्म ने मारा उसको, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है, किस तरह इसको पॉलिटिकल टेररिज्म कैसे कहते हैं? तो वन मिनट, सो अशोक आर यू सीइंग वकार भट्टी इज द टिपिकल हिपोक्रेट? ये उस तरह के डबल फेस्ड इंसान है, ही कैनॉट इवन से on my program that Rahul Bhatt was killed because he was a Kashmiri Hindu. इनको कहने में तकलीफ हो रही है इसी तरह के hypocrites के कारण। बताइए किसने मारा? आप बताइए किसने मारा कश्मीरी पंडित को? मैं कह रहा हूँ लश्कर-ए-तोयबा ने मारा क्योंकि वो कश्मीरी पंडित है। क्योंकि क्यों मारा मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्यों मारा एक कश्मीरी हिंदू को? क्यों मारा वकार बताइए? आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने मारा। मैंने, अरे आप क्या, व्हाट डू यू मीन, आप क्या पाकिस्तान को क्यों ला? एक मिनट, ऑब्वियसली आपको मैं जो पूछ रहा हूं आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए, मगर एक्टिंग मत कीजिए, है ना, कि आप समझ नहीं पा रहे। आपको मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, मुझे लगता है राहुल भट्ट को मारा गया, मुझे ही नहीं सबको पता है राहुल भट्ट को मारा गया क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए टारगेट करके एक हिंदू को मारा गया। आपको आपको ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? आप जैसे हिपोक्रेट एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? मैं 30 सेकंड में जवाब दे देता हूं। मुझे भी लगता है कि राहुल पंडित को हिंदू को किसी ने सियासी फायदे के लिए मारा है, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित एक हिंदू है और अभी अभी कश्मीर फाइल्स 300 करोड़ कमा चुकी है, तो उसके लिए उसको मार के बलि का बकरा बनाया गया अगले चुनाव जीतने के लिए, 2024 के चुनाव जीतना, हिंदू मुस्लिम करना है जो भारत में हो रहा है, तो इसके पीछे साजिश हो सकती है। और मैं डिमांड करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हाई लेवल की एक जांच करें और पता करें इसके पीछे कौन सी सियासी जमात है, आतंकी ग्रुप है, कौन नहीं है। आप, मुझे लगता है आप डरपोक भी हैं। एक तो आप झूठ बोलते हैं, उसके साथ साथ आप एक बहुत डरपोक इंसान भी है, क्योंकि आप इतना नहीं कह पा रहे कि राहुल भट्ट है को मारा गया क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू है। अशोक पंडित कुछ कहना चाहते हैं आपको? मुसलमान 99% मारे जा रहे हैं जनाब, हिंदू 1% मारा जा रहा है, आप क्यों नहीं बोलते कि मुसलमान को मारने वाले भी आतंकवादी हैं? बोलिए, आप क्यों डरते हैं अर्नब साहब? आप क्यों बुजदली करते हैं? आप भी बोले जो मुसलमान मरते हैं उनको मारने वाले भी आतंकवादी हैं, बोलिए आप भी। अर्नब अशोक पंडित, अर्नब ये जो भी शख्स है ये इंसेन है। हमारे कश्मीरी हिंदुओं की जितनी भी हत्याएं हुई हैं इसके 32 साल में, पिछले 32 साल में जितनी भी कश्मीरी हत्या हुई है वो इसीलिए हुई है कि वो कश्मीरी हिंदू है, वो इसलिए मारा गया क्योंकि वो कश्मीरी हिंदू है, वो हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान के झंडे को सलाम करता है। आप जैसे लोग आग लगाने के लिए बैठे हुए हैं महाराष्ट्र से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, आपने मारा है राहुल भट्ट को, कश्मीरी हिंदुओं ने आज तक किसी का मकान नहीं जलाया, कश्मीरी हिंदू ने आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाया, कश्मीरी हिंदू ने मारा है, कश्मीरी हिंदू मारा क्यों? कश्मीरी हिंदू को इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो हिंदुस्तान का कश्मीर में एक प्रेजेंस है, आपने मारा है, स्थापना है कश्मीर में, अशोक पंडित जैसे लोगों ने मारा, अनपंथ के जैसे लोगों ने मारा है। ये चाहते हैं कि कश्मीर का हिंदू कश्मीर में नहीं रहे, हिंदुस्तान का प्रेजेंस कश्मीर में नहीं रहे, ये वो लोग हैं जो 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 टेररिस्टों को सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने टेररिस्टों को सपोर्ट किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने टेररिस्टों के साथ मिलकर हमारा जेनोसाइड किया, ये वो लोग हैं, ये वकार उनमें से ही है जो कभी भी किसी भी टेररिस्ट के आगे। नो, वी विल हैव टू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, वन मिनट, अशोक पंडित, अशोक पंडित, आज टुडे आई ऑल्सो हैव विद मी आबिद मीर मगामी, आई ऑल्सो हैव विद मी आबिद मीर मगामी ऑफ द कांग्रेस पार्टी जॉइनिंग अस फ्रॉम बदगाम। एक टेररिस्ट आया,
इस्लामिक फंडामेंटल आया, उसने मेरे भाई की हत्या की आज, उसने हत्या किया, उसके दफ्तर में मार फटकर, वो दफ्तर में काम कर रहा था अपना, नागपुर से आया, महाराष्ट्र से आया, ये आतंकवादी से आया, ये बातें कर रहे हैं लोग, जब मुस्लिम मारे तो किस टेररिज्म ने मारा होता है, एक माँ के हाथ से, बाप के हाथ से, उसका बेटा से क्या हो जाएगा, शर्म बीवी के हाथ से, उसका बच्चे बनाने से क्या हो जाएगा, छोटे से बच्चे से, करोड़ की बना के राहुल बंट को मरवा दिया, और ये सियासत की बात कर रहे हैं, आपने राहुल बंट को ये सियासत की बात कर रहे हैं, सियासत, अरे बोलो आतंकवादी ने मारा है, तुम्हारे साथी ने मारा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को, अरे 300 करोड़ की ऐसी कैसी, तूने मेरे भाई को मारा है, तूने मेरे भाई को मारा है, की एक्टिंग करते तूने मेरे परिवार को मारा है, तूने हमें गोली मारी है, तूने मारा है, बड़े तूने मारा है, तू बड़ा था इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों ने मरवाया है, तुमने मरवाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुझे शर्म आनी चाहिए, फिल्मों के नाम पर कश्मीरी the fact is this whole group and Gaurav Arya is also on the debate.